तीन प्रतिरोधकों को जिसका मान R1, R2, R3 है, इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, श्रेणी में अगर प्रतिरोध जुड़े लीनियर लाइन से, तो वहां पर इस तरह का जो संयोजन है उसमें कुल प्रतिरोध की क्षमता कितनी होती है, आपको ये समझाना है। इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है, तो आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है जिसमें एक विद्युत परिपथ है, ठीक है, जहां पर I एम्पियर धारा है, जो तीन प्रतिरोधों से जुड़ा हुआ ये बैटरी है जिसमें R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधक है। वोल्टेज इसका टोटल V है, जिसका मान V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह का आपको परिपथ का ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको लिखना है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि टोटल विभवांतर यहाँ पर कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चूंकि ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR, तो हर V की जगह हम क्या लिख देंगे IR, और V बन गया तो यहाँ पर क्या जाएगा IR1, 2 है तो IR2, 3 है तो IR3। यहाँ पर देखिए आप I कॉमन है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ की आई से यहाँ की आई को हम कट करेंगे, बचा कितना, टोटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हमने प्रूव किया कि यदि इस तरह का एक विद्युत परिपथ है जहाँ पर तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनके तीनों प्रतिरोधकों का जो मान होगा वो इनका जो योग होगा